मंत्री और प्रधानमंत्री की परिषद। भारत विधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। उसकी मृत्यु या पदत्याग की दशा में समस्त परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। वह स्वेच्छा से ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति उसकी सलाह से ही करते हैं। मंत्रीगण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है। देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है तथा सभी नीतिगत निर्णय भी वही लेता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है। वह सत्ता पक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व करता है। संसद में मंत्रिपरिषद के पक्ष में लड़ी जा रही किसी भी बहस में वह भाग ले सकता है। मंत्रीगण के मध्य समन्वय भी वही करता है। वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकतानुसार मंगवा सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल का नेता होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। संविधान विशेष रूप से प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इस पद के पदाधिकारी को सरकारी तंत्र पर दी गई अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति प्रधानमंत्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बलों समेत एक परमाणु शस्त्र राज्य के नेता होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। वर्ष 2010 में फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्थान पर रखा था। फोर तथा 2012 और 2013 में उन्हें क्रमशः और स्थान पर रखा था। 5, 6, 7 उनके उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 में स्थान पर तथा वर्ष 2015 में विश्व का 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित किया था। 8, 9 इस पद की स्थापना वर्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ 26 जनवरी 1947 में संविधान के प्रवर्तन के साथ हुई थी। उस समय से वर्तमान समय तक इस पद पर कुल 15 पदाधिकारियों ने अपनी सेवा दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले पदाधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 26 मई 2014 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। संवैधानिक पद व व्युत्पत्ति। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रभावित होकर एक संसदीय गणराज्य का रूप दिया था, जिसमें राष्ट्रप्रमुख तथा शासन प्रमुख के पदों को पुनर्तः विभक्त रखा गया था। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा स्थापित शासन प्रमुख का पद है, जिस पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। वही भारत के राष्ट्रपति का पद भारत गणराज्य के राष्ट्रप्रमुख का पद है, जिन्हें संसद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। प्रधानमंत्री का पद निसंदेह भारतीय राजनीतिक प्रणाली का सबसे शक्तिशाली एवं वर्चस्वपूर्ण पद है। संघीय सरकार तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सारी गतिविधियों व नीतियों पर अंततः नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास ही होता है। 10 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन भी अंततः प्रधानमंत्री ही करते हैं। हालांकि मंत्रियों की नियुक्ति निष्कासन व अन्य ऐसे कार्य प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कर सकते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर होता है। भारतीय संविधान क्रमशः ऐसे कई विधान प्रेषित करता है जिनके द्वारा वैधिक रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि सामान्य गैर आपातकालीन हालातों में कार्यपालिका के मामले में राष्ट्रपति पर केवल नाममात्र शक्तियां निहित हों, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में हों। संविधान ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों को भाग 5 के विभिन्न अनुच्छेदों में कुछ इस प्रकार अंकित किया गया है। 11 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। पंचम भाग अनुच्छेद 1 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। पंचम भाग अनुच्छेद 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। पंचम भाग अनुच्छेद 1 नियुक्ति। भारत के अंतिम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए 15 अगस्त 1947 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रधानमंत्रित्व की शपथ लेते नरेंद्र मोदी 27 मई 2014। साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा सांसद थे।
1966 में इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा 1996 और हाल ही में मनमोहन सिंह 2004-2009 राज्यसभा सांसद थे। 12 प्रत्येक चुनाव पश्चात नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल के नेता के चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमतधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वासमत प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात विश्वासमत प्राप्ति के आदेश को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 13. यदि कोई एक दल या गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता है तो यह पुनर्तः महामहिम राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है कि वे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करें। ऐसी स्थिति को त्रिशंकु सभा की स्थिति कहा जाता है। त्रिशंकु सभा की स्थिति में राष्ट्रपति साधारणतः सबसे बड़े दल के नेता को निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु आमंत्रित करते हैं, हालांकि संवैधानिक तौर पर वे इस विषय में अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं। निमंत्रण स्वीकार करने वाले व्यक्ति का लोकसभा में विश्वासमत सिद्ध करना अनिवार्य है और उसके बाद ही वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 14-15 ऐतिहासिक तौर पर इस विशेषाधिकार का प्रयोग अनेक अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रपतिगण कर चुके हैं। वर्ष 1977 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात चौधरी चरण सिंह को इसी विशेषाधिकार का प्रयोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 12-16 इसके अलावा भी इस विशेषाधिकार का उपयोग कर राष्ट्रपतिगण ने 1989 में राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1991 में नरसिंह राव तथा 1996 और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए किया है। 17 कैबिनेट प्रधानमंत्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है। पात्रता भारतीय संविधान प्रधानमंत्री पद हेतु किसी प्रकार की विशेष अर्हताएं निर्दिष्ट नहीं करता है, परंतु एक आवश्यकता जरूर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए और उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय पात्र भारतीय संसद के दो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 महीनों के मध्य ही उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका प्रधानमंत्रित्व खारिज हो जाएगा। अतः प्रधानमंत्रित्व के दावेदार के पास एक सांसद होने की सारी अर्हताएं होना चाहिए। भारतीय संविधान के पंचम भाग का 84वां अनुच्छेद एक सांसद की अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है। उसके अनुसार 18-19 कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब 20 वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। जैसा कि तीसरे बिंदु में विनिर्दिष्ट है, पात्र को संसद द्वारा भविष्य में पारित पात्रता के किसी भी योग्यता पर खरा उतारना होगा तथा क्योंकि प्रधानमंत्री का सांसद होना अनिवार्य है, अतः प्रधानमंत्रित्व के पात्र को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने योग्य होने हेतु कुछ अन्य अर्हताओं पर भी खरा उतरना होता है, जिनमें उसका विकृत चरित्र वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित न होना, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेना, किसी न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाना तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त होना शामिल है। साथ ही पात्र का केंद्रीय सरकार, किसी भी राज्य सरकार अथवा पूर्व कथित किसी भी सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय तथा प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक निकाय की सेवा में किसी भी लाभकारी पद का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। 21-22 साथ ही सदन से प्रस्ताव स्वीकृत निष्कासन से भी पात्र की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 23 नियुक्ति के पश्चात इनमें से पूर्व कथित किसी भी अर्हताओं पर प्रधानमंत्री की अयोग्यता किसी विधिक न्यायालय में सिद्ध की जाती है तो उस व्यक्ति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है और उसे प्रधानमंत्री के पद से निष्कासित कर दिया जाता है। कार्यपद की शपथ प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर नियुक्ति हेतु भावी पदाधिकारी को दो शपथ लेने की अनिवार्यता है। ये दोनों शपथ भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, अनुच्छेद 75, 4, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 188 और 219, 24, 25। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 1. मंत्री पद की शपथ का प्रारूप। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा अंतः स्थापित। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 2. गोपनीयता की शपथ का प्ररूप।
मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। कार्यकाल व निलंबन। मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल के बीच ही पदत्याग किया था। सैद्धांतिक रूपतः पदस्थ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 26 अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति पद के विपरीत प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए कोई काल सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः एक पदस्थ प्रधानमंत्री अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है बशर्ते कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास हो। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि एक व्यक्ति केवल तब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास उसके पक्ष में है। 27 बहरहाल लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष होता है जिसके बाद नए चुनाव कराए जाते हैं और नवीन सभा पुनः प्रधानमंत्री के पक्ष में विश्वासमत पारित करती है। यदि नव निर्वाचित सभा प्रधानमंत्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 28 अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का एक पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जिसके बाद उसकी पुनः समीक्षा होती है। 27 बहरहाल प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों से पूर्व ही समाप्त हो सकता है यदि किसी कारणवश लोकसभा सरकार के विरोध में अविश्वास मत पारित करे अथवा यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य घोषित हो जाए तो प्रधानमंत्री किसी भी समय अपने पद का त्याग राष्ट्रपति को एक लिखित त्यागपत्र सौंप के कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल के बीच अपना पद त्याग दिया था। 29 प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर ना ही किसी प्रकार की समय सीमा है ना कोई आयु सीमा निर्दिष्ट की गई है। 28 कार्य व शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक मानता है। उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में समस्त परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। वह अकेले ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति उसकी सलाह से ही करते हैं। मंत्रीगण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है। देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है। सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है। वह परिषद के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व करता है। संसद में परिषद के पक्ष में लड़ी जा रही किसी भी बहस में वह भाग ले सकता है। मंत्रीगण के मध्य समन्वय भी वही करता है। वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है। इन सब कारणों के चलते प्रधानमंत्री को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है। कार्यकारी शक्तियाँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सन 1988 भारतीय प्रधानमंत्री पद के वर्चस्व व महत्व का सबसे अहम कारण है उसके पदाधिकारी को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 74(30) प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है एवं यह निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे तथा अनुच्छेद 75 यह स्थापित करता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाएगी एवं मंत्री को विभिन्न कार्यभार भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही देंगे। 31 अतः संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि जहां संवैधानिक कार्यकारी अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है परंतु क्योंकि इन संबंधों में भारत के राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह अनुसार कार्य करते हैं अतः वास्तविक रूप से इन कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार करते हैं। इन विधानों द्वारा संविधान यह स्थापित करता है कि भारत के राष्ट्रप्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति पर निहित सारे कार्यकारी अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही किया करेंगे तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे तथा अनुच्छेद 75 द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनका कार्यभार सौंपना भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। बल्कि मंत्रियों और मंत्रालयों के संबंध में संविधान प्रधानमंत्री को पूरी खुली छूट प्रदान करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं या निलंबित करवा सकते हैं। 28, 32, 27 क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। अतः इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की पसंद के लोगों द्वारा निर्मित होती है जिसमें वे अपनी पसंदानुसार कभी भी फेरबदल कर सकते हैं। साथ ही मंत्रियों को विभिन्न कार्यभार प्रदान करना भी पुनर्तः प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। वे अपने मंत्रियों में से किसी को भी कोई भी मंत्रालय या कार्यभार सौंप सकती हैं, छीन सकते हैं या दूसरा कोई कार्यभार मंत्रालय सौंप सकते हैं। इन मामलों में संबंधित मंत्रियों से सलाह मशवरा करने की या उनकी अनुमति प्राप्त करने की प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। 27 बल्कि मंत्रियों व मंत्रालयों के विषय में पूर्व कथित किसी भी मामले में संबंधित मंत्री या मंत्रियों की सलाह या अनुमति प्राप्त करने की प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है।
वे कभी भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मंत्री को मंत्रिपद से इस्तीफा देने के लिए भी कह सकते हैं, और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो वे राष्ट्रपति से कहकर उसे पद से निलंबित भी करवा सकते हैं। 27, 32, 28। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ। मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रालयों के आवंटन के अलावा मंत्रिमंडलीय सभाएं, कैबिनेट की गतिविधियां और सरकार की नीतियों पर भी प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रमुख एवं नेता होते हैं। 33, वे संसद एवं अन्य मंचों पर मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मंत्रिमंडलीय सभाओं की अध्यक्षता करते हैं तथा इन बैठकों की कार्यसूची तथा चर्चा के अन्य विषय वही तय करते हैं, बल्कि कैबिनेट बैठकों में उठने वाले सारे मामले व विषय सूची प्रधानमंत्री की ही स्वीकृति व सहमति से निर्धारित किए जाते हैं। कैबिनेट की बैठकों में उठने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर या नामंजूर करना प्रधानमंत्री की इच्छा पर होता है। हालांकि चर्चा करने और अपने निजी सुझाव व प्रस्तावों को बैठक के समक्ष रखने की स्वतंत्रता हर मंत्री को है, परंतु अंततः वही प्रस्ताव या निर्णय लिया जाता है जिस पर प्रधानमंत्री की सहमति हो, और निर्णय पारित किए जाने के पश्चात उसे पूरे मंत्रिपरिषद का अंतिम निर्णय माना जाता है और सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री के उस निर्णय के साथ चलना होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक रूपतः केंद्रीय मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री को पूर्ण नियंत्रण व चुनौतीहीन प्रभुत्व हासिल है। नियंत्रण के मामले में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वेसर्वा होता है और उसके इस्तीफे से पूरी सरकार गिर जाती है, अर्थात सारे मंत्रियों का मंत्रित्व समाप्त हो जाता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता के अलावा संविधान प्रधानमंत्री पर एक और खास विशेषाधिकार निहित करता है। यह विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का मध्य संपर्क सूत्र होना। यह विशेषाधिकार केवल प्रधानमंत्री को दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को मंत्रिसभा में लिए जाने वाले निर्णय और चर्चाओं से संबंधित जानकारी से राष्ट्रपति को अधिसूचित कराते रहते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी अन्य मंत्री स्वेच्छा से मंत्रिसभा में चर्चित किसी भी विषय को राष्ट्रपति के समक्ष उद्घाटित नहीं कर सकता है। 34, यह विशेषाधिकार की महत्व व अर्थ यह है कि मंत्रिमंडलीय सभाओं में चर्चित विषयों में से किन जानकारियों को गोपनीय रखना है एवं किन जानकारियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, यह तय करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है। प्रशासनिक शक्तियां अपने विभिन्न उच्चाधिकारियों और सलाहकारों के साथ द्विपक्षीय व्रत में भाग ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री राज्य के विभिन्न अंगों के मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, जिसका कार्य राज्य के सारे विभागों व अंगों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाना है, सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाना और कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करवाना तथा विभिन्न विभागों को निर्देशित करना भी उनका काम है। मंत्रालयों और विभागों के बीच के प्रशासनिक मतभेद सुलझना और अंतिम निर्णय लेना भी उनका काम है। 27, सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा भी सरकारी तंत्र पर प्रधानमंत्री का अत्यधिक प्रभाव और पकड़ होता है। शासन व सरकार के प्रमुख होने के नाते कार्यकारिणी की तमाम नियुक्तियां वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सारे उच्च स्तरीय अधिकारी व पदाधिकारी प्रधानमंत्री अपने पसंद के ही नियुक्त करते हैं। इन नियुक्तियों में उच्च सलाहकारों तथा सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के उच्चाधिकारी समेत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत इत्यादि सब शामिल हैं। यह सारे उच्च स्तरीय नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाते हैं। 27, विधानमंडलीय शक्तियां। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जुटे सांसदों और विधायकों को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी। सरकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत और सत्तापक्ष के नेता और प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इस संदर्भ में सदन में सरकार और सत्तापक्ष का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य माना जाता है। साथ ही यह आशा की जाती है कि सदन में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण विधेयक और घोषणाएं प्रधानमंत्री करेंगे तथा उन महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में सत्तापक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उत्तर देंगे। 28, 27, 35, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है, अतः साधारणतः सभापति भी बहुमत दाल का होता है। अतः बहुमत दाल के नेता होने के नाते सभापति के जरिए प्रधानमंत्री लोकसभा की कार्रवाई को भी सीमित रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सभापति सभा का अधिष्ठाता होता है और सदन में चर्चा की विषय सूची भी सभापति ही निर्धारित करता है। हालांकि सदन की कार्रवाई को अधिक हद तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इन कर्तव्यों के अलावा संसदीय कार्रवाई को पर प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। लोकसभा सत्र बुलाने और सत्रांत करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 85 लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रांत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इस मामले राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। 36 अर्थात वास्तविक रूपे लोकसभा का सत्र बुलाना और अंत करना प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। यह अधिकार निसंदेह प्रधानमंत्री के हाथों में दी गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कि उनको न केवल अपने दल पर बल्कि विपक्ष के सांसदों की गतिविधियों पर भी सीमित नियंत्रण का अवसर प्रदान करता है। 27, 35 वैश्विक संबंधों में किरदार। ब्रिक्स सम्मेलन 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ईरान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। सरकार और देश के नेता होने के नाते वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। सरकार और मंत्रिपरिषद पर अपनी अपार नियंत्रण के कारण भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की सबसे अहम भूमिका होती है। देश की विदेश नीति से संबंधित निर्णय, देश की सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक इत्यादि आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर मंत्रिपरिषद में चर्चा द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनमें अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। 37 वैश्विक संबंधों और उनसे जुड़े मामलों भारत का विदेश मंत्रालय संभालता है, जिसके लिए विदेश मंत्री के नाम से एक स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किया जाता रहा है। कई बार प्रधानमंत्री स्वयं भी विदेश मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं, परंतु क्योंकि विदेश नीतियां इत्यादि प्रधानमंत्री निर्धारित करते हैं, अतः विदेश मंत्री अंततः प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को कार्यान्वित करने का काम करता है। 27, 28, 32, 12, 38 विभिन्न देशों से सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक, वाणिज्यिक और संसाधनिक इत्यादि संधियां और समझौते तथा उनसे जुड़ी कूटनीतिक बहस और वार्ताओं में प्रधानमंत्री का किरदार सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसी वार्ताओं में वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा से खिताब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों व प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत सत्कार करना व उनकी मेजबानी करना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदार होती है। विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी के अलावा प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि व शासन प्रमुख होने के नाते विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ, G20, ब्रिक्स, सार्क, कूटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का पक्ष रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि बनाने और कूटनीतिक वार्ताओं द्वारा देश के हित की आपूर्ति करने में प्रधानमंत्री का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। 27, 28, 32, 12 भारतीय संविधान राष्ट्रप्रमुख और सर्व सामरिक बलों के अधिपति होने के नाते किसी अन्य देश से युद्ध व शांति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है। 39 परंतु इसका वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री को है, क्योंकि राष्ट्रपति इस मामले में प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य हैं। युद्ध की घोषणा के अलावा युद्ध की रणनीति निर्धारित करना तथा सामरिक बलों को नियंत्रित करना भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है तथा शांति घोषणा करना और शांति समझौता करना भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। 27, 28, 32, 12 विभिन्न मंत्रालयों विभागों का प्रभार। भारत सरकार के कुछ विशेष संवेदनशील एवं उच्च स्तरीय विभाग व मंत्रालय ऐसे हैं जिनकी विशेषता संवेदनशीलता या अन्य किसी कारणवश प्रधानमंत्री के अलावा अन्य किसी भी मंत्री को इनका कार्यभार नहीं सौंपा जाता है। इन विभिन्न विभागों के कार्यों के प्रति वे संसद को जवाबदेह है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। 40 आम तौर पर प्रधानमंत्री इन निम्नलिखित विभागों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट नियुक्ति आयोग, नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, नाभिकीय कमान प्राधिकरण, कार्यकर्मी, जनशिकायत व पेंशन मंत्रालय। कृपया उद्धरण जोड़ें। परंपरागत कर्तव्य, भारत के प्रधानमंत्री पद के राजनैतिक महत्व एवं उसके पदाधिकारी की जननायक और राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की छवि के लिहाज से प्रधानमंत्री पद के पदाधिकारी से यह आशा की जाती है कि वे भारत के जनमानस को भली भांति जाने, समझें एवं राष्ट्र को उचित दिशा प्रदान करें। जनमानस के प्रतिनिधि होने के नाते महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों और समारोहों में प्रधानमंत्री के अहम पारंपरिक एवं चिन्हात्मक किरदार रहा है। समय के साथ प्रधानमंत्री पर अनेक परामर्गत कर्तव्य विकसित हुए हैं। इन कर्तव्यों में प्रमुख है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन। स्वतंत्रता पश्चात वर्ष 1947 से ही यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। इन भाषणों में अमूमन प्रधानमंत्रीगण बीते वर्ष में सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हैं तथा आगामी वर्षों में सरकार की कार्यसूची और मनोदशा से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराते हैं। द 15th of August वर्ष 1947 को सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था। लाल किले से जनता को संबोधित करने की इस परंपरा को उन्होंने अपने 17 वर्षीय कार्यकाल में प्रतिवर्ष जारी रखा। तत्पश्चात उनके द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को उनके प्रत्येक उत्तराधिकारी ने बरकरार रखा है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। 41 वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का भाषण वर्ष के सबसे अहम राजनैतिक घटनों में से एक माना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष सरकार की उपलब्धियों और मनोदशा को प्रस्तुत करता है। 15 अगस्त के भाषण के अलावा प्रतिवर्ष 26th of January को गणतंत्रता दिवस के दिन राजपथ पर गणतंत्रता दिवस के समारोह की प्रारंभ से पूर्व प्रधानमंत्री देश के तरफ से अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित कर भारतीय सुरक्षा बलों के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय हुई थी, जब 1971 की युद्ध में पाकिस्तान की पराजय और बांग्लादेश की मुक्ति के पश्चात देश की रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिकों के उपलक्ष्य में दिसंबर 1971 को अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों द 26th of January 1979 को गणतंत्रता दिवस पर पुष्पमाला अर्पित की थी।
तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रधानमंत्री इस परंपरा को निभा रहे हैं। 42-43 प्रधानमंत्री कोष। प्रधानमंत्री विभिन्न राहत कोषों के अध्यक्ष हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, सामरिक तथा अन्य आपदाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता है। ये कोष पूर्णतः सार्वजनिक अंशदान पर निर्भर होती हैं। 44 इन्हें सरकार द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक न्यास की तरह प्रबंधित किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जनता के अंशदान से बनी एक न्यास है, जिसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस कोष के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। इस राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। इसे वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। 44 यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। 45 इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस कोष का संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है। 44 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष हैं और अधिकारी कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(6) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं। सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीटों से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं। 44 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा निधि। मुख्य लेख राष्ट्रीय रक्षा निधि भारत। राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नकद एवं वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने और उसके इस्तेमाल पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष स्थापित किया गया था। इस कोष का इस्तेमाल सशस्त्र बलों तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह कोष एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और रक्षा वित्त तथा गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री इस कोष के कोषपाल होते हैं तथा इस विषय को देख रहे प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव होते हैं। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। यह कोष भी जनता के स्वैच्छिक अंशदान पर पूरी तरह से निर्भर होता है और इसे किसी भी तरह की बजटीय सहायता नहीं मिलती है। 46-47 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों को मिलने वाली प्रतिश्रमक इत्यादि का निर्णय संसद करती है। 50 इस राशि को समय समय पर संसदीय अधिनियम द्वारा पुनर्वृत्त किया जाता है। मंत्रियों के वेतन से संबंधित मूल राशियों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ख में दिया गया था, जिसे बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। वर्ष 2010 में जारी की गई आधिकारिक सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह सूचित किया था कि प्रधानमंत्री की कुल आय उनकी मूल वेतन से अधिक उन्हें प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों के रूप में होता है। 51 वर्ष 2013 में आए एक सूचना अधिकार आवेदन के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री का मूल वेतन 50,000 रुपीज प्रति माह था, जिसके साथ 3,000 रुपीज का मासिक व्यय भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को 2 रुपीज ओओ की दैनिक दर से प्रतिमाह 62,000 रुपीज का दैनिक भत्ता मुहैया कराया जाता है। साथ ही 45,000 रुपीज का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाता है। इन सब भत्तों और राशियों को मिलाकर प्रधानमंत्री की मासिक आय का कुल मूल्य 1,60,000 प्रतिमाह तथा 201,000 INR प्रतिवर्ष है। 48-52 अमरीकी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के अनुपात के आधार पर भारतीय प्रधानमंत्री $4,106 के समानांतर वेतन प्राप्त करते हैं। प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात के आधार पर यह आंकड़ा विश्व में सबसे कम है। 53 प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रधानमंत्री को 20 रुपीज ओओ की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है एवं सीमित सचिवीय सहायता के साथ 6,000 रुपीज का कार्यालय खर्च भी प्रदान किया जाता। प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार का उच्चतम कार्यालय है, जो प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। इसमें प्रधानमंत्री के तत्काल कार्यकारिणी एवं सलाहकार शामिल रहते हैं, साथ ही संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की सहकारिणी भी इस कार्यालय का भाग होते हैं।
54. इस कार्यालय के विभिन्न विभाग होते हैं जो कि प्रधानमंत्री को शासन चलाने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाने तथा जनता की शिकायतों का निपटान करने में प्रधानमंत्री की सहायता करती है। यह कार्यालय प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा प्रशासनिक सेवाओं के कुछ गिने चुने वरिष्ठ अधिकारियों की मेजबानी करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव करते हैं। इसी कार्यालय के माध्यम से सभी मंत्रिमंडलीय मंत्रीगण, स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्रीगण, मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा राज्यपालगण के साथ आधिकारिक संबंध तथा समन्वय साधते हैं। यह कार्यालय केंद्र सरकार का ही एक हिस्सा है और रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली के सचिवीय भवनों के साउथ ब्लॉक से कार्य करता है। 55. प्रधानमंत्री आवास। भारत के प्रधानमंत्री का वर्तमान आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर अवस्थित है, जिसे पूर्वतः 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था। इस आवास का आधिकारिक नाम पंचवटी है। नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित यह संपत्ति 12 एकड़ भूमि पर फैली हुई है, जिसमें कुल 5 बंगले शामिल हैं। कुल मिलाकर इन 5 भवनों, बगीचों तथा कुछ अन्य सामरिक संरचनाओं का यह समुच्चय भारतीय प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास तथा प्रमुख कार्यागार है। 56. इस संपत्ति में प्रधानमंत्री का निजी आवासीय क्षेत्र, कार्यगृह, सभागृह एवं अतिथिशाला स्थित हैं। यहाँ निवास करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। भारत के सप्तम प्रधानमंत्री एवं राजीव गांधी के उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार इसे स्वयं एवं भविष्य के प्रधानमंत्रियों के लिए आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास निर्दिष्ट किया था। 57. अमूमन प्रधानमंत्रीगण अपने सारे आधिकारिक और राजनैतिक बैठकें यहीं किया करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का मूल कार्यालय रायसीना की पहाड़ी पर स्थित केंद्रीय सचिवालय में अवस्थित है, परंतु पंचवटी में भी प्रधानमंत्री के लिए एक कार्यगृह एवं सभागृह विद्यमान है, जहां प्रधानमंत्री यहीं रहते हुए अपने कार्यों का निर्वाह कर सकते हैं। 58-59. यह एक अतिथि सुरक्षा क्षेत्र है और हर क्षण विशेष सुरक्षा दल के पहरे में रहता है। साधारण जनमानस का प्रवेश यहां पूर्णतः निषेध होता है। लोक कल्याण मार्ग का नाम पूर्वतः रेस कोर्स रोड था। सितंबर 2016 में इसके नाम को परिवर्तित कर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। 60. सुरक्षा। भारतीय प्रधानमंत्री पर प्रतिक्षण मंडरा रहे आत्मघाती संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा संघ की एक विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा दल SPG की जिम्मेदार होती है। यह विशिष्ट बल सीधे केंद्र सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अधीन है और आसूचना ब्यूरो IB के अंतर्गत उसके एक विभाग के रूप में कार्य करती है। SPG के जवान प्रधानमंत्री को 24 घंटे एक विशेष सुरक्षा घेरा प्रदान करते हैं, तथा उनकी अंगरक्षा, अनुरक्षण एवं उनके आवासों, विमानों और वाहनों की सुरक्षा, आरक्षा एवं अनुरक्षण एक जांच प्रदान करती है। SPG देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है। SPG के जवानों को सुरक्षा, अंगरक्षा, अनुरक्षण एवं अनुरक्षण एक जांच हेतु विशेष एवं पेशेवर परीक्षण उपकरण और पोशा प्रदान की जाती है तथा दृढ़ अनुशासन में रखा जाता है 61-62, ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में वे लोग पूर्णतः सक्षम रहें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, देश के अन्य हिस्से तथा विदेशी दौरों पर हर स्थान हर क्षण प्रधानमंत्री की अंगरक्षा एवं किसी भी प्रकार के हमले से उनकी सुरक्षा विशेष सुरक्षा दल SPG की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री की अंगरक्षा के अलावा SPG प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा हर वह स्थान जहां प्रधानमंत्री वास करते हैं उनकी सुरक्षा करती है। साथ ही प्रधानमंत्री के तत्काल परिवार एवं पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा पदत्याग के बाद 1 वर्ष तक भी SPG करती है। प्रधानमंत्री की अंगरक्षा हेतु एक विशेष सुरक्षा दल की आवश्यकता पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महसूस हुई थी। तत्पश्चात 1988 में SPG को IB की एक विशेषण के रूप में सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षा टुकड़ी के रूप में गठित किया गया था। 63. SPG के गठन से पूर्व 1981 से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की एक विशेष अंग के अंतर्गत थी। तत्पश्चात प्रधानमंत्री की अनुरक्षण एवं विशिष्ट सुरक्षा घेरा प्रदान करने हेतु आसूचना ब्यूरो ने एक विशेष कार्य बल गठित किया। इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात विशेष सुरक्षा दल को एक स्वतंत्र निर्देशक के अंतर्गत स्थापित किया गया, जो कि राजधानी, देश तथा विश्व के हर कोने में जहां प्रधानमंत्री जाएं वहां उनको सुरक्षा प्रदान करे। 64-65. अन्य सहूलियतें। मुख्य लेख एयर इंडिया 1 और विशेष सुरक्षा दल, सचिवीय सहायता, निःशुल्क आवास एवं 24 घंटे -365 दिन की SPG सुरक्षा के अलावा और भी कई सहूलियतें प्रधानमंत्री को मुहैया कराई जाती हैं। प्रधानमंत्री को देश एवं दुनिया भर में असंख्य निःशुल्क यात्राएं करने की सहूलियत प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री की आवाजाही हेतु विशिष्ट एवं अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस वाहन प्रदान किए जाते हैं, जो कि बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के साथ साथ इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसके ईंधन टंकी को नुकसान पहुंचने के बावजूद भी उसमें विस्फोट नहीं होता है। साथ ही प्रधानमंत्री का विशेष वाहन फ्लैट टायर के साथ भी मीलों तक बिना रुके चल सकता है। इसके अलावा गैस या रासायनिक हमले के समय इस वाहन की अंदरूनी कक्ष एक गैस चैम्बर में तब्दील होने में भी सक्षम है, ताकि बाहरी वायु भीतर प्रवेश ना कर सके, और इंद्र की कक्ष में ऑक्सीजन की सप्लाई भी मौजूद रहती है। प्रधानमंत्री के विशेष वाहन के अलावा प्रधानमंत्री अपने विशेष काफिले के साथ चलते हैं, जिनमें करीब दर्जन भर और गाड़ियां होती है, जिनमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मशगूल SPG के जवान प्रधानमंत्री के अनुरक्षण हेतु उपस्थित रहते हैं।
इसके अलावा काफिले में एक एम्बुलेंस और एक जैमा भी हमेशा मौजूद रहता है। 66. विशेष वाहन के अलावा प्रधानमंत्री के लिए विशेष विमान भी उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी कर रहे किसी भी विमान का आधिकारिक कॉल साइन एयर इंडिया 1 होता है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना द्वारा VVIP विमानों की तरह चलाया जाता है। वायुसेना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की वायु यात्राओं के लिए कुछ विशेष विमान रखती है। वायुसेना दो प्रकार के विमान रखती है, एक जिन्हें देश के भीतर यात्रा करने के लिए उपयोग किया जाता है एवं दूसरे वो जिन्हें प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए रखा जाता है। यह तमाम विमान विशिष्ट उपकरणों और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं और प्रधानमंत्री के विमानों की सुरक्षा SPG के नियंत्रण में रहती है। 66. यातायात की सुविधाओं के अलावा प्रधानमंत्री को संपर्क और दूरभाष की भी अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री अपने सरकारी फोन से देश और दुनिया भर में असंख्य निःशुल्क फोन कॉल कर सकते हैं। 66. 52. सेवानिवृत्ति पश्चात पूर्व पदाधिकारियों को जीवन भर की निःशुल्क आवास तहत सेवानिवृत्ति के बाद के 5 वर्षों तक मेडिकल सुविधा, 14 सचिवीय कार्यकारिणी कार्यकारी खर्च, वार्षिक तौर पर 6 एग्जीक्यूटिव क्लास की अप्रवासिया वायु यात्राएं एवं असंख्य मुफ्त ट्रेन यात्राएं प्रदान किए जाते हैं। सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद तक उन्हें SPG सुरक्षा प्रदान की जाती है। 5 वर्षों की समाप्ति के पश्चात उन्हें एक निजी सहायक, एक संतरी तथा निःशुल्क वायु और ट्रेन टिकट तथा मासिक तौर पर 6,000 रुपीज के कार्यालय खर्च प्रदान किया जाता है। 52. प्रधानमंत्रियों को निधन के पश्चात राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। केंद्र सरकार ऐसी अवसर पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा करती है तथा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रथागत है कि वे किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु के अवसर पर शोक का दिन घोषित करें। 67. कई संस्थानों का नाम भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई देशों के डाक टिकटों पर प्रधानमंत्रियों को भी याद किया जाता है। 68. उप प्रधानमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है, ना ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक रूप से अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, ना ही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियां प्रदान करता है। आमतौर पर वित्त मंत्री या गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग गठबंधन सरकारों में मजबूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की राजनीति से संबंधित पृष्ठ। भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार, भारत का संविधान, प्रधानमंत्री TV सीरीज, भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत, भारत के उप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रीगण के पृष्ठ, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, हड्डनहल्ली डड्डगौड़ा देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्रीगण के मंत्रिपरिषदों के पृष्ठ, प्रथम नेहरू मंत्रिमंडल, द्वितीय नेहरू मंत्रिमंडल, तृतीय नेहरू मंत्रिमंडल, चतुर्थ नेहरू मंत्रिमंडल, लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल, प्रथम इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल, द्वितीय इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल, तृतीय इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल, मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल, चरण सिंह मंत्रिमंडल, राजीव गांधी मंत्रिमंडल, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल, चंद्रशेखर मंत्रिमंडल, नरसिंह राव मंत्रिमंडल, देवगौड़ा मंत्रिमंडल, इंद्र कुमार गुजराल मंत्रिमंडल, प्रथम वाजपेयी मंत्रिमंडल, द्वितीय वाजपेयी मंत्रिमंडल, तृतीय वाजपेयी मंत्रिमंडल, प्रथम मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल, द्वितीय मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री पद से संबंधित अन्य पृष्ठ। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची। 7. लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत, साउथ ब्लॉक, विशेष सुरक्षा दल, एयर इंडिया 1, एडिट बाय जितेंद्र। थैंक्स टू वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल।